राहुल गांधी की पेशी और अग्निपथ योजना के विरोध में बुलाए गए भारत बंद का व्यापक असर दिखा है। सड़कों की स्थिति देखकर ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली NCR को बंधक बना लिया गया हो। नोएडा और गुरुग्राम से दिल्ली जाने और आने वाले रास्तों पर भयंकर जाम की स्थिति है। यहां वाहनों के लिए अपनी जगह से हिलना मुश्किल हो गया है। यहां वाहन चलते नहीं बल्कि रेंगते नजर आए। सुरक्षा कर्मियों को आज दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत बंद और कांग्रेस के जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। नोएडा और दिल्ली पुलिस की ओर से बॉर्डर पर बैरिकेड लगाए गए हैं। यहां आने जाने वाले वाहनों की सघन जांच की जा रही है, जिससे नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर कई किलोमीटर लंबा भीषण जाम लग गया है। इससे ऑफिस जाने वाले लोगों को देरी का सामना करना पड़ रहा है। जाम में फंसे लोगों ने हमारे संवाददाता कैलाश चंद्र से बात की। राहुल नाम के शख्स ने बताया कि सेक्टर 18 से सेक्टर 14 पहुंचने में 5 मिनट लगते थे, अब तक 45 मिनट हो चुके हैं, लेकिन वे अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए हैं। मेरा नाम राहुल। कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? मैं आ रहा हूं फरीदाबाद से। कितना लंबा जाम है? कालंदी कुंज से ही आगे तक जाम है, चिल्ला बॉर्डर तक अभी जा रहा हूं। कितना टाइम हो गया आपको यहां से आते? तकरीबन 1.25 घंटा के करीब हो गया। बता दें कि भारत बंद को लेकर नोएडा पुलिस अलर्ट मोड पर है। जिले में धारा 144 लागू है। रविवार को ही एडिशनल DCP क्राइम ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की थी, जिसका नोएडा में असर हुआ। यहां फिलहाल भारत बंद का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद भी चेकिंग के कारण सड़कों पर जाम का बड़ा असर दिखा। चेकिंग के कारण हो रही लोगों की परेशानी को देखते हुए नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने बयान जारी किया है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने बताया कि कई टीमें लगी हुई हैं, जाम खुलवाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली पुलिस की ओर से कापा सेड़ा बॉर्डर पर बैरिकेड लगाए गए हैं। देखिए 144 यहाँ भी गौतम बुद्ध नगर पूरे कमिश्नरेट क्षेत्र में लगाई गई है, और किसी भी तरह का डेमोन्स्ट्रेशन या समूह में एक साथ मूव करना वो प्रतिबंधित है। दिल्ली पुलिस ने भी जो वहाँ पर लोग एकत्रित होने वाले थे वो उसको भी बैन किया हुआ है। इसलिए एक बहुत ही वेल थॉट आउट और कोऑर्डिनेटेड मैकेनिज्म के तहत हमारे जितने भी एक्सप्रेसवेज हैं, नेशनल हाईवेज हैं, सीमावर्ती जनपदों से जो आवागमन के मार्ग हैं वो, और हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के स्टेशन पॉइंट्स हैं, वहाँ सभी जगह पर पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था है और वहाँ से आने जाने वालों पर सख्त निगाह रखी जा रही है। इसके अलावा हम लोग सोशल मीडिया को भी वॉच कर रहे हैं, वहाँ पर भी अगर कोई किसी तरह का एडवर्स कमेंट आता है तो उसको भी फॉलो करके वहाँ भी कार्रवाई की जा रही है। जहाँ पर पहले प्रदर्शन हुआ था वहाँ पर किस तरीके की निगरानी करी जा रही है? वहाँ पर ऑलरेडी बड़ी संख्या में फोर्स मौजूद है, और इस बीच में फ्राइडे से लेकर अब तक एक बहुत ही बड़ा आउटरीच का प्रोग्राम किया गया, जिसमें जो हमारे रिटायर्ड फौजी हैं, सैन्यकर्मी हैं, उनके माध्यम से बच्चों को समझाया गया है। तमाम ऐसे कोचिंग संस्थान भी हैं जो इसमें लोगों को समझा रहे हैं, उनके अभिभावकों को समझा रहे हैं इस स्कीम के बारे में, जो इसकी नुआंसेज हैं, जो बहुत से उनको लेकर उनकी क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस का आंसर किया जा रहा है, और अब वहाँ चीज़ें बिल्कुल सामान्य हो गई। लोगों को नज़रबंदी किया गया है? आज लगभग 24 लोगों को रोका गया है जो विभिन्न कारणों से दिल्ली की तरफ जाने वाले थे, लेकिन वहाँ पर क्योंकि ये प्रतिबंधित है कार्यक्रम, कोई किसी तरह के कार्यक्रम के अलाव नहीं किया गया, इसलिए उनको रोका गया। कुछ सेंसिटिव जोन भी चिन्हित किए गए आपके द्वारा? सेंसिटिव जोन जो हैं चिन्हित हैं और वहां पर पर्याप्त पुलिस बल है। पुलिस ये जानना चाहती है कि हरियाणा के रास्ते से कोई संदिग्ध व्यक्ति दिल्ली शहर में प्रवेश तो नहीं कर रहा है। यहाँ भी चेकिंग के कारण भीषण जाम की स्थिति बन गई है। वहीं जयपुर की ओर से आने वाले वाहनों को PMT के रास्ते से निकाला गया। गुरुग्राम पुलिस ने ट्वीट कर जानकारी दी कि NH24 पर सरहोल टोल के पास भीषण जाम लगा है। गाड़ियों के लिए अपनी जगह से हिलना भी मुश्किल हो गया है। वाहन रेंग रहे हैं। पुलिसकर्मी वहाँ पहुँच कर वाहनों को जाम से निकालने में लगे हुए हैं।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिवाजी ब्रिज पर ट्रेन रोककर प्रदर्शन किया। वहीं कनॉट प्लेस समेत कई जगहों पर ईडी और भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय का पुतला फूंका। प्रदर्शन को देखते हुए भारतीय रेलवे ने अलग अलग जोन में देश भर की सैकड़ों ट्रेनें रद्द कर दी हैं, जिसमें पैसेंजर और एक्सप्रेस समेत कुल 539 ट्रेनों के पहिए थम गए। वहीं सुरक्षा के लिहाज से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन समेत कई जगहों पर आरपीएफ कमांडो तैनात हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।